बिहार की प्रसिद्ध मिठाई घोजा या बेलग्रामी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। बनाना शुरू करते हैं बिहार की प्रसिद्ध मिठाई घोजा। इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। बनाना शुरू करते हैं घोजा मिठाई या बेलग्रामी मिठाई बिहार की। पनीर की मिठाई तो अक्सर हम बनाते ही हैं। बंगाली मिठाइयाँ बहुत सी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बिहार की प्रसिद्ध मिठाई, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही इजी बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। ये बनाने में ट्रेडिशनली बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम इसे थोड़ा कम टाइम में बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए पनीर। पनीर बिल्कुल देखिए बिल्कुल सूखा है, ये देखिए बिल्कुल सूखा पनीर है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये मेरा घर का बना ही पनीर है। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, मैं बाज़ार से पनीर कम मंगाती हूँ, घर का एक बना इस्तेमाल करती हूँ। अब इसके हम पीस कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके पीस कर लिए, ये देखिए। ये मिठाई बिल्कुल अलग होती है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लेती है मिठाई बनने में। हम बंगाली मिठाइयाँ तो पनीर की बहुत बनाते हैं और बहुत स्वाद से खाते हैं। एक बार ये भी ट्राई कीजिए, मैं बना रही हूँ, आप भी बनाइए। ये देखिए ये मैंने पीसेस कर लिए, ये रखा मैंने एक कुकर। जी हाँ, ये मिठाई हम कुकर में बनाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, बड़े आराम से बन जाएगी। और इसमें मैं डालूँगी एक कटोरी चीनी और इसी कटोरी से सवा कटोरी पानी। ये सवा कटोरी पानी डालूंगी। ये देखिए हमारी चीनी घुलने लगी है। इसको हमें एक तेज़ बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना है। जब ये खूब तेज़ी से उबलने लगे तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चीनी को देखिए अच्छे से घुल गई है। ये मैंने इलायची ली और मुंह खोल दिया, दाने निकाले नहीं लेकिन इनका मुंह खोल दिया। इनको मैं इसमें डाल दूँगी जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई में। आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी चीनी पक गई और इसमें अच्छे से उबाल आ गया। अब हम जो ये हमने पीसेस काटे हैं इनको हम एक एक करके डालेंगे। टेम्परेचर हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, एक साथ डाल देंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी फ्लेम है जिस पे मैं ये काम कर रही हूँ। और पीसीज आपको पूरी जगह मिले उन्हें घूमने की उबलने की, ऐसे डालने हैं। मेरा 250 ग्राम पनीर था और इसको मैंने एक कटोरी चीनी डाली। अब इसको हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हमें विसल नहीं आने देनी है, हमें इसमें बस स्टीम बन जाए इतना इसको तेज़ आंच पे पकाना है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कुकर में स्टीम बनने लगी है। बस हमें इतना ही इसको तेज़ आंच पे पकाना है। अब हमें जो हमारी सबसे लो फ्लेम है उस पे इसको हम कर देंगे और आधा घंटे तक उस पे पकने देंगे। कुकर खोलना नहीं है, विसल आने नहीं देनी है, इतना ध्यान रखना है हमें। अब मैं इसको स्लो कर देती हूँ, जो मेरा सबसे स्लो पॉइंट है उस पे कर देती हूँ। 300 पे कर दिया मैंने, और गैस पे कर रहे हैं तो जो सबसे छोटी गैस है उसको बिल्कुल स्लो कर दें और उस पे रखें। ये देखिए स्टीम बन रही है लेकिन मैंने विसल नहीं आने दी। और आगे भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है। हमारी मिठाई को पकते हुए आधा घंटा हो गया, चेक कर लेते हैं। ये और अपनी मिठाई को चेक कर लेते हैं। देखिए पक पक के कलर पनीर का बदल गया और फूल भी गया। आप ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसको चाशनी को गाढ़ा करेंगे तो हम फ्लेम को फुल कर देंगे और इसे पकने देंगे फुल फ्लेम पे। बिल्कुल हमें एक तार की कंसिस्टेंसी लानी है इसको पकाते पकाते। और अगर आपको इसका डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं या केसर के कुछ स्टैम्प्स डाल दें, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। लेकिन चाशनी में पकते पकते ये बहुत अच्छा कलर देगा। अब हम इसको खुला ही पकाएंगे फुल फ्लेम पर। इसको हम चाशनी बनने तक पकने देंगे। और ये मिठाई केवल बिहार में ही मिलती है, ये नहीं कि सब जगह मिलती है, ये वहीं की प्रसिद्ध मिठाई है बेलग्रामी घोजा। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में।
वो लोग तो कढ़ाइयों में पकाते हैं, घंटों घंटों पकाते हैं, तो चीनी करते करते लाल हो जाती है, उससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, अब हम इसे पकने देते हैं और चेक कर लेते हैं चाशनी को। देखिए अभी चाशनी बहुत पतली है और जैसे जैसे ये चाशनी में तेज़ आंच पे पक रहे हैं इनका कलर भी बदल रहा है। इतना डार्क नहीं आएगा लेकिन लाइट भी नहीं, वाइट भी नहीं रहेगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। अभी इसको हमने और पकाना है। ये देखिए हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हुई है, ये देखिए बिल्कुल अब लग रहा है सूख रही है। चेक कर लेते हैं चाशनी को, लास्ट की ड्रॉप गिरेगी तो खींचेगी, धीरे धीरे गिरेगी। ये देखिए दिख रहा है आपको, ऐसी ही हमें चाशनी बिल्कुल गाढ़ी करनी है। उंगली पे चेक करें तो ये देखिए, देखिए पूरा तार आ रहा है, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आगे का काम करते हैं। और कलर देखिए आप, काफ़ी बदल गया है। अगर मैं इसमें कलर डाल देती तो और भी डार्क हो जाता, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला तो ये लाइट है, नहीं तो ये बिल्कुल डार्क ब्राउन के हो जाते हैं। यह मैंने एक बॉल और इस पर रख दी मैंने छलनी, और हम अपने गोजों को अब इसमें छान लेंगे। ये देखिए मैंने सारे गोजे छलनी में निकाल लिए, और ये जो नीचे बची है चाशनी इसको किसी भी काम में ले सकते हैं आप। आटे में मल के पुए बना लीजिए, पराठे बना लीजिए, किस कोई मिठाई बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें मीठे की ज़रूरत है, उस चाशनी को डाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। अब इसको गोजों को हम इसी तरह से तीन घंटे तक, तीन घंटे से ज़्यादा मैं ये चाहूँगी कि आप इसको पूरा रात, अगर आप शाम को बना रहे हैं तो पूरी रात इसी तरह से रहने दें, इन्हें अच्छे से सूखने दें, फिर इनका खाने का टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मुझे वीडियो पूरी करनी है तो मैं आपको तीन घंटे बाद ही चेक करा दूँगी, काफ़ी फ़र्क, बिल्कुल चाशनी सूख जाएगी और ये सूखे हो जाएंगे बिल्कुल, और खाने में बिल्कुल जैसे शक्कर पारे करारे लगते हैं, बहुत ही करारे से हमारे ये तैयार होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो वो भी मुझसे शेयर करें आप कैसे बनाते हैं। बस मैंने आपको कलर का बताया कि मेरा कलर डार्क नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कलर नहीं डाला, और अगर हम इसको खुले में बड़े बड़े बर्तनों में बहुत चीनी में पकाते तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाता, लेकिन मैंने इसमें चीनी भी कम डाली है इसलिए इसमें आपको कलर थोड़ा लाइट दिखा रहा है। देखिए हमारे गोज़ा बिल्कुल सूख गए हैं, ये देखिए फर्स्ट क्लास बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप बनाते हैं इस तरह से गोज़ा, देखिए कितने बढ़िया, और इनको आप 15 दिन तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। थैंक यू।